रफाकत का तरीका होता है मेरे भाई। हमें तो हम सफर रहना था ना, मुझे छोड़कर ज्यादा सफर बांध लिया और अकेले ही चले गए। आए खुदाया, काश मैं आपकी जगह मर जाता। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि कबीला किन्दा को यतीम कर गए। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं अपनी शरण काट देता और हम एक साथ मट्टी में मिल जाते। ज्ञान का कत्ल तुम्हारे सर है बिन शुबैत, अगर मर्द हो तो अपने खता का इकरार करो। क्या अबू उमर अपनी पाक नीयत को साबित करने में कामयाब हो गया? आप मुझसे कह रहे हैं अमीर? नहीं, अपनी बदरू से बात कर रहा हूं। भाइयों, मैं आमर इब्न शुमैत तुम लोगों के सामने इस बात का इकरार करता हूं कि मैंने अब उमरा के बारे में गलती की है, बल्कि शायद खयानत की है। खयानत? आप कैसी इंकसारी दिखा रहे हैं अमीर? कैसी खता, कौन सी खयानत? ये तो फितरी बात है, जंग में होता ही है, एक मारता है एक मारा जाता है। हमारा मुकद्दर वो चीज है जिससे वो रकम करता है। अगर अब उमरा और उसके साथी घोड़ों पर बैठ के मैदान में जाते तो हर किस जंग का अंजाम ये न होता। अब उमरा का खून मेरे जिम्मे कर्ज है जो अदा करना होगा। अहमद मेरे भाई, देखो ये बातें फौज का शिराजा बिखेर के रख देंगी। खुदा के लिए अपने एहसासात को लगाम दो, अभी तो हम सिर्फ इब्तिदा ही में हैं। हमारी असल जंग अभी तो कल से शुरू होनी है। अब्दुल रहमान, मौत इंसान का मुकद्दर है, अपने आप को संभालो नौजवान। मलकुल मौत का खुदा की किसी भी मखलूक से लिहाज का रिश्ता नहीं है, यहां तक कि उसके रसूल खातिम से भी नहीं। जहन नसीब तुम्हारे बाप के कि वो अल्लाह के दीदार को पहुंचा है, तुम्हें तो उनकी खुशनसीबी पे नाज होना चाहिए। तुम्हारे मरहूम वालिद और दादा दोनों ही अरब के मशहूर तरीन अफराद में से थे, और कबीला किंदा के शेख भी, जो कि एक मुजाहिद और तवाना कबीला है। ये कोशिश करो कि अपने खानदान के नाम और बुजुर्गों के लिए आजादारी करो। आज से हम तुम्हें कबीला किंदे का बुजुर्ग और शेख जानते हैं, और इस शोक में हम आपके गम में शरीक हैं। आपकी हमदर्दी का इजहार हमारे लिए फखर का बाइस है अमीर, मगर मेरे और कबीले के लिए बाप तो दोबारा नहीं आएगा ना। काश ये अफराद बर वक्त हिमायत करने में मुजायका नहीं करते। किसी ने भी मुजायका नहीं किया बेटा, तदबीर के मुताबिक ही काम किया है। ओ बहू, हम जंग के तमाम तर हालात और वाकयात पर मुसल्लत थे। तुम्हारे वालिद गफलत के साथ जाल में फंस गए। मुझे नहीं पता वो किस काम में मसरूफ था कि अपने आप को संभाल न सका। जनाबे इब्ने हुर और इबाद अगर बर वक्त न पहुंचते तो तुम और तुम्हारे आदमी मैदान से हरगिज जिंदा वापस न लौटते। देर से आए, बहुत देर से आए ये लोग, जरा सा जल्दी आ जाते तो एक भी अजम जिंदा ना रहता और मेरा बाप जिंदा होता और मैं यतीम ना होता। अब्दुल रहमान, इस वक्त तुम गमजदा हो और तुम्हें हक है कि गैर मुनसिफाना फैसला करो, मगर आज किसी ने खयानत नहीं की और नतीजतन हमने मुख्तार की कमर तोड़ दी। किसान अब उमरा किसी तरह से भी कम न था। अब उमरा को हमने मारा है, हमने अजमों के कत्लेआम से मुख्तार की कमर तोड़ दी। इस बड़ी फतह का फख हमारा हक है। जी हाँ, हमारा हक है,
हम सब का हक है। हम सब का नहीं इब्ने हुर, मेरा, मेरे बाप का और मेरे भाई और कबीले वालों का। हमसे मुराद हम, यानी कि कबीला किंदा। यहाँ तक कि शबाज और बिन हज्जाज को भी यह फख्र हासिल नहीं है। अच्छा, तो फिर हम मट्टी से खेल रहे थे बाद। वो हम थोड़ी थे जिन्होंने इसे और इसकी कौम को शाकरी भेड़िए के चुंगल से निजात दिलाई, वो जिन्नात थे। क्या तुम अपना मुंह बंद रखकर इस गम की महफिल में इस यतीम से मुंह मारी करना बंद नहीं कर सकते? आप सिर्फ अपने भाई की जूतियां सीधी कीजिए शहजादे, मुझे मजबूर ना करो कि तुम्हारा मुंह तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूं। अपना गलीज मुंह बंद कर खबीज। खामोश जाफर, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताओ, बताओ क्या ये लड़ाई का वक्त है? और वो भी हमारे गैरतमंद और शुजा सरदारों में से एक सरदार के जनाजे पर। क्या मैंने कोई गलत बात की थी जो इन्होंने मेरे खिलाफ आवाज उठा ली? तुमने एक गलत हरकत की कि एक जनाजे पर गनीमत की बात कर रहे हो। जाफर ने तुमसे भी ज्यादा गलत काम किया। इस फतह का सेहरा कबीला किंदी के सर है। तुम्हारा हरीफ इतना मजबूत है कि उसे शिकार करके तुम सब शेर हो सकते हो। अब्दुल रहमान, जनाजे को गुसल देकर और सिद्र काफून से मुअत्तर करके कफनाओ। मैं इस अजमो के कातिल सरदार की नमाज जनाजा खुद पढ़ाना चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ अमीर, इनकी वसीयत यह है कि शबस इनकी नमाज जनाजा पढ़ाए। शबस? जी अमीर। कोई बात नहीं, मुर्दे की वसीयत पर अमल करना वाजिब है, पढ़ा दे। शबस ही नमाज पढ़ा दे। जाइए, कल मैं खुद मैदान में जाऊंगा, या तो मारा जाऊंगा या फिर अबू उमरा के खून का बदला ले लूंगा। गुस्ताखी माफ अमीर, आपको रुककर हमारी फरमा लवाई करनी होगी। खुदा ना खास्ता अगर हम हरूला में हार गए तो कयाम का फातिहा हो जाएगा। क्यान जिस चीज को पाने के लिए बेचैन था उसे पा लिया। खुदा उसे हमारे पेशवा मौला अली के साथ मशहूर करे। अभी हम जिंदा हैं अमीर, हमारी जिम्मेदारी दुश्मन से मुकाबला करना और आपकी जिम्मेदारी रहनुमाई करना है। काश मैं अबू उमरा के बारे में शक नहीं करता बिन कामिल। अमीर, आपके शक की जड़ मुनाफिकों से मशवरा करना है। मैं यकीन से कह सकता हूँ अरब और अजम का निफाक कोई मायने नहीं रखता। जब कभी आप कोई ऐसी चीज देखें तो फौरन समझ जाइए या तो दुश्मन की चाल है या अरब के मुनाफिकों का वसवसा है। आपकी अरब के मुतासिब मुनाफिकों से मुराद कौन लोग हैं? रहने दीजिए शेख, रहने दीजिए। मैं किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहता। बराए मेहरबानी आप खुद अपने आप पर इल्जाम मत लगाइए। लाना पे जहालत पर, लाना पे खूनी तासुब पर। बिन कामिल। जी अमीर। तुम हमारे इस मजलूम शहीद के जनाजे पर नमाज पढ़ाओगे। तुम्हारी इब्ने हुर से अमकाना दुश्मनी का राज क्या है? मुझे नहीं पता था कि मैं अपने भाई की नजरों में इतना हकीर हूं कि वो मुझे इब्ने हुर जैसे एक चेले का दूध समझता है। फिर क्यों जरा जरा सी बात पर एक दूसरे का दामन होसने लग जाते हो? भैया, ये शख्स मशकूक है, मुमकिन है कि मुख्तार का जासूस हो। बईद नहीं कि उसकी मुख्तार से मुखालफत और तमाम तर लड़ाइयां मुख्तार की तदबीर हो ताकि हम उस पर एतमाद करके अपने खैमे हुक्मरानी में जगह दे दें। इब्ने हुर अगरचे मुख्तार का जासूस ही क्यों ना हो, हमारे लिए कारसाज है लड़के। बेहतर यही होगा हम उसके साथ मिलकर रहें। जनाब मोहल्ला, आपको उसकी जरूरत है मान लिया,
मगर उसे हमारे राजदाराना इजलास में क्यों रखा जाता है? जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमारे मख्फियाना इजलास में सिर्फ मैं और अमीर ही होते हैं, यहाँ तक कि आप भी नहीं होते। ये भी मेरे दिल पर एक दाग है, हैफे कि अपने बड़े भाई के सामने मेरी गर्दन झुकी हुई है। जाफर भाई, अगर तुम कहो तो हम अपनी जगह बदल लें। मैं ऐसी जसारत का इरादा नहीं रखता था भाई। तो फिर अपने जज्बात को काबू में रखो। हमारा मकसद हुकूमत बनी जुबैर को बर्पा करना है, उस हुकूमत को जिसके खलीफा हमारे बड़े भाई हैं। जी अमीर। तुम्हारा खेल देखने वाला था मोहल्लब, अब उमरा भी मारा गया बगैर इसके कि हमारे लश्कर को कोई नुकसान पहुंचे। मजे उड़ाओ, अभी सिर्फ मजे उड़ाओ। आखिर मैं क्या करूं कि शबस मेरी चाल को समझ चुका है। जो अजदहा मैं तुम में देख रहा हूं, शबस भी उसके लिए एक छोटा सा निवाला है। उसे खेमे में बुलाओ, अदब और मुस्कुराहट के साथ उसके सामने खड़े हो, उससे ऐसे बात करो कि वो बआसानी अपने दिल की बात कर जाए। जनाब शबस, आप मिजाजन ही किनारा का शख्स हैं या हम आपके लिए अजनबी हैं? मेरी और जनाब शबस की उम्र में बेहतरीन काम इबादत, एतकाफ और जिक्र इलाही है। ये तो मैं गलती पर हूँ कि सफेद दाढ़ी रख के इजलास का फर्द बना बैठा हूँ। जी मेरे लायक कोई हुक्म था क्या अमीर? हुक्म तो नहीं, गुजारिश थी। हमारी इस रविश के बारे में जो सखफी कसाब के खिलाफ हमने बना रखी है, आपकी क्या राय है? मुख्तार अभी तक मैदान में नहीं आया है, जैसे ही वो आ गया जो हुक्म अपनी राय पेश कर दूंगा। यानी मुख्तार के पास मजीद फौज है? ताज्जुब है कि अमीर को नहीं मालूम। मुख्तार की मजीद फौज से शेख की मुराद अश्तर का बेटा है? जी नहीं जनाब मोहल्लब, मुख्तार एक तदबीर को दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। अश्तर का बेटा उसका जखीरा था कूफे के अशराफ का सर कुचलने के लिए। जिस तरह जदली अपने लाठी वालों के साथ मक्के में हाशमियों की नजात के लिए मामूर किया गया था, लिहाजा इन दोनों को तो भूल ही जाइए। बहुत खूब, बैठ जाओ शबस, बैठ जाओ। हम ऐसा क्या करें कि आप मुख्तार से लड़ने के लिए खड़े हो जाएं? आप मुख्तार से जहाद नहीं कर रहे, शायद आपने ये फरमाया था कि आपने हमें इसलिए पनाह दी है ताकि सुन्नत रसूल का अहया कर सकें। ये बात अवाम उन्नास को धोखा देने के लिए तो खूब है। आपकी मुख्तार से जंग सुन्नत का अहिया करने के लिए नहीं है, हुकूमत के उसूल के लिए है। बहुत खूब, मुझ पर शरण कोई फर्ज नहीं है कि इस झगड़े में शामिल हो जाऊं। आपने हमें पनाह दी है और हम भी उरफन अपने कबीले समेत आपके साथ खड़े हैं ताकि हिसाब बराबर हो जाए। अगर आपको हमारी तलवार चाहिए तो आपको इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। तुम्हारी तलवार की क्या कीमत है? हुक्म अमारत बसरा, मगर हजरत खलीफा के हाथों और उनकी मोहर से लिखा हुआ होना चाहिए।
बरकत दे शेख सबस। अच्छा सौदा किया आपने, मुबारक हो। वो क्यों? रहने दीजिए, आप जैसे एक बुजुर्ग की नजरों में मुझ जैसे अफराद गुमनाम ही होंगे ना। बेटा मेरी उम्र इतनी नहीं कि एक नौजवान के तंज और ताने बर्दाश्त कर सकूं। कनायाबाजी से गुफ्तगु मत करो, मुझे आपकी पहचान होनी चाहिए। मैं हूँ जनाब शबस, उबैदुल्ला इब्ने हुर। हुर? मैं एक हुर को जानता हूँ जो यजीद की फौज का सरदार था। पहले उसने हुसैन का रास्ता रोका और फिर उस पर फिदा हो गया। तुम उसके बेटे हो? जी नहीं, मैं हुर का बेटा हूँ, मगर हुर इब्ने यजीद रियाही का बेटा नहीं। अगर मेरे बाप का चर्चा उसकी तरह होता तो मैं अभी खलीफा के लश्कर का सिपा सालार होता। हाँ, आजकल मनसब फरोशी का बाजार खूब गर्म है। मेरी मानो तो अपनी तवानाई पर तकिया करो जिसकी बका ज्यादा हुआ करती है। मैं वही हूँ जिसने मुख्तार के खिलाफ खड़ा होकर उसकी हुकूमत की बुनियाद हिला डाली। अच्छा, तो जिस बागी नौजवान ने मुख्तार को चोट पहुंचाई वो आप हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे। बिला मुबालिगा मैं आपकी चालाकी की दाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सियासतबाजी में आप मेरे उस्ताद हो। गलती कर रहे हो लड़के, अगर मैं कोई मंझा हुआ सियासतदान होता तो यहाँ ना होता। इनके सारी से काम ले रहे हैं शेख, अगर आप एक अच्छे सियासतदान ना होते तो आज हम आपकी मौत के चने खा रहे होते। मरहूम बिन अशद से किंदी अगर आपकी बातों पे चलता तो आज जिंदा होता। सभी को मरना है, मुझसे क्या चाहते हो? एक तलवार की कीमत बताइए। वो तलवार है कैसी? ऐसी तलवार जो कल तक मुख्तार की हामी थी और कातिलाने हुसैन को जख्मी करती रही, आज जुबैर के बेटे की हामी है ताकि मुख्तार का सर कलम कर सके। ये तो बड़ी अजीब सी तलवार है। ऐसी तलवार तो कल को जुबैर के बेटे की शहरत काट सकती है और साथ ही तलवार वाले के सीने को भी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस तलवार को तोड़ देता। अगर सौदा ही करना है तो अपने खून का सौदा करो, अपनी तलवार का नहीं। अगर मेरे खून का सौदा हो जाए तो मेरा खून बहा मेरे किस काम का? खून बहा हमेशा जान की कीमत नहीं होता नौजवान। सिर्फ चंद खून के कतरों और हल्की सी खराश, इसके बदले कूफे के सरकारी सिपाहियों के सरदार बन सकते हो। ये मशगला रोटी पानी अच्छी चला देता है और आपके अखलाक के साथ भी साजगार है। चाचा जान, मैं तुम्हारा चाचा जान हूँ क्या? नहीं है। पता नहीं हूँ क्या? एक आध दिन पहले तक तो आप चाचा ही थे। शायद मेरे बाप की मौत के साथ साथ आपके अख़ुवत का सीगा भी टूट गया है। जब तुम्हारा बाप मेरा भाई था और मर चुका है तो फिर मेरी कमर भी टूट गई है। चाचा जान, हजियान भूलने की बीमारी आपके लिए शर्मनाक है। सबको ये लगता है कि आपने डर के मारे अपने आप को दीवाना बना लिया है। लश्कर वाले आपका मजाक बना रहे हैं। तुम पागल हो गए हो? लश्कर कहाँ है लश्कर? होश में आओ बुज़दिल। मैं होश में तो हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं नींद में तो नहीं हूँ। जनाब बिन हज्जाज, आप कबीले जुबैदी के बड़े हैं जो कि कबीला किंदा के साथ मिला हुआ है। इस माले खोलियत से आप दोनों कबीलों को बदनाम कर रहे हैं। बिन हज्जाज, ये नाम काफी आशना लग रहा है मुझे।
बिन हज्जाज। हाँ, पहचान गया हूँ। वो एक ऐसा शख्स था जिसमें ना तो जंगजुओं की शुजाअत थी और ना ही अमीराना सियासत थी। जैसे ही जंग हो जाती थी वो सबसे पहले तलवार निकाल लेता था। कैसा गधा था वो। का गला गोठा है तुम लोगों ने या चीर फाड़ की है? इसके मुंह को लाश और दरिंदे नोच गए अमीर। बड़ी हौलनाक सजा है। माले खोलिया का अर्जा था इसे। थोड़ा सा जालमाना था ये सब। और कोई चारा नहीं था अमीर। मुझे डर था कि ये हुकूमत के राजों को फाश ना कर दे। मैंने खलीफा की हुकूमत की इज्जत की परवाह में ऐसा किया। बाज़ुकात किसी शरई चीज को बचाने के लिए जुल्म करना पड़ता। मैं तुम्हारी होशियारी और तलवार का मान रख लेता हूँ अब्दुलरहमान। अगर हुकूमत बनी जुबैर के बाएं बाजू बनना चाहते हो तो तुम्हें बिन कामे शाकरी की कमर भी तोड़नी होगी। समझे? पहचानते हो? जी अमीर, बिन कामिल शाकरी है, कूफे के सिपाहियों का सरदार है। दरअसल मुख्तार के बाजू में से एक है ये। अगर आज इस बाजू को काट दो तो अच्छा इनाम होगा। जी अमीर।
जाओ, मुझे दो। जख्मी हो गए हो अहमद, हमें पीछे हट जाना चाहिए। ये जख्म एक दोस्त ने मुझे दिया है, दुश्मन ने नहीं। हमारी दोस्ती की कसम, मेरी नीयत खैर ही थी। शैतान खैर ख्वाही के धोखे में रख कर ही बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करवा देता है, ऐसे जाल में फंसा देता है जिसे निजात की रस्सी समझता है। इंसान शैतान की राह पर चल पड़ता है और जबान अनजाने में उसकी मर्जी के मुताबिक चल जाता है। काश मैं गुंगा हो जाता और अपने अफकार को बयान न करता। खुदा हमारे दिलों की तारीखियों को खत्म करे। जाओ एतिकाफ और तौबा करो, शायद बरोज हश्र निजात पा जाओ। तुमने अपने बेजा शैतानी वसवसों से लश्कर और क़याम की कमर तोड़ दी। खुदा ही खैर करे तुम्हारी। तमाम मक्तूलीन का कत्ल मेरे जिम्मे, अब ठीक है अहमद मेरे भाई, हमें पीछे हटना होगा ताकि बफजले खुदा सुबेरियों की कमर तोड़ डाले। फौज का शिराजा तो उसी दिन बिखर गया था जिस दिन ईरानियों को घोड़ों से उतर जाने पर मजबूर किया गया। इस फितने के बाइस और बानी पर लानत हो, इससे ज्यादा हरूरा में रुकना शर्मिंदगी का बाइस है। हम सबको मर जाना होगा ताकि उनको यकीन हो जाए कि हम हार चुके हैं। आखिर क्यों रुकने पर मुझसे रहे खुदा जाने। जी अमीर। आ
تدفین کے فرائض کے بعد لشکرگاہ کو فوراً مزار نامی علاقے کی طرف منتقل کر دو. چاہتا ہوں کہ رات کا اندھیرا ٹوٹنے سے پہلے ہم مزار میں موجود ہوں. جی امیر. یہ خبر سچی ہے ابن حر؟ کون سی خبر امیر؟ مختار حرورہ آ پہنچا ہے؟ جی ہاں آ چکا ہے. اپنے مزید لشکر کے ساتھ؟ کون سا مزید لشکر؟ تعداد. اس کی فوج کی تعداد کتنی ہے؟ مختار کا رد عمل میرے لیے اس کی فوج کی تعداد سے زیادہ دلکش تھا. کیسا رد عمل؟ مختار اپنی لشکر گاہ کو برخاست کرنے میں مصروف ہے. غالباً وہ مزار کی طرف جانا چاہتا ہے. ابھی منتقل ہونے کے کاموں میں مصروف ہے. مزار؟ جی امیر مزار. ایک مشکل سے گزرنے والی جگہ ہے جو کہ جھاڑیوں کیچڑ اور پانی سے بھرپور ہے. محلب اب منتقل ہونے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختار سمجھ چکا ہے کہ حرورہ میں ہم سے نمٹنے میں ناکام رہے گا. وہ مزار کی طرف جا رہا ہے تاکہ جھاڑیوں کیچڑ اور پانی جیسی رکاوٹوں سے فائدہ اٹھا سکے. نہایت عقل مندی والا فیصلہ ہے. ہم کیا کریں اب؟ مجبوراً مزار جا کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. حکم دیجئے کہ لشکر کو مزار کی جانب بڑھایا جائے. جعفر خیموں اور ساز و سامان کو سمیٹو, ہم مزار کی طرف بڑھیں گے. جی امیر. کہاں چلے گئے؟ وہ گئے ہیں مختار کی مزید فوج کے متعلق شبس سے گفتگو کرنے. تم نے سنا مختار نے مزار کا ارادہ کر لیا ہے؟ مزار؟ جی ہاں مزار. وہ ہمیں دلدل میں پھنسانا چاہتا ہے. میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا امیر, مختار کے پاس بڑے عجیب و غریب حربے موجود ہیں. اس کے حرورہ میں شکست کھا جانے پر بھی شک کیجیے امیر, بعید نہیں کہ اس نے جان بوجھ کر یہ شکست قبول کی ہو. واقعی وہ حرورہ میں اپنے تین قریب ترین ساتھیوں کو گوا چکا ہے. خلافت کا لباس پہننے کے لیے یہ کوئی بڑی قیمت نہیں. مختار ہر لحاظ سے ایک مجھا ہوا سیاستدان ہے. بالکل آپ اور آپ کے بڑے بھائی حضرت خلیفہ کی طرح. اگر آپ کو خلافت کا لباس حاصل کرنے کے لیے میرے اور محلب جیسے افراد کو قتل کرنا پڑے تو کیا نہیں کریں گے؟ ہم سے دوری مت اختیار کیجئے جناب شبس, ہمیں آپ کے مشورے کی ضرورت ہے. ہاں آپ کی تلوار کی قیمت کے بارے میں ہم نے خلیفہ سے بات کر لی ہے. بصرہ کی حکومت کا حکم بہت جلد آپ کے ہاتھ میں ہوگا. میں ممنون ہوں امیر. مرحوم کے آن کے لشکر میں جو ایرانی حضرات تھے ان میں سے صرف ایک تہائی رہ گئی ہے, جن میں سے زیادہ تر زخمی اور نیم مردہ ہے. بہت ہی ہولناک دن تھا امیر. خدا کسی کو ایسے دن نہ دکھائے. امیر
बेशक ये जाल मोहल्लब की एक चाल होगी और यकीनन बिन शुमैत इस चाल से वाकिफ नहीं था। मुझे तो हैरत है कि कियान और बिन कामिल क्यों किसी गलत हुक्म को मान गए। अमर और कियान के माबैन बहस भी हुई थी। अमर बज़िद और गुस्से में भी कियान ने मजबूरन इताअत की। कैसा जबर, हर गलत हुक्म के लिए नाफरमानी करना ही फर्ज है। बिन वहाब कहाँ है? मुमकिन है महूम बिन शुमैत के चोग में अपने खेमे में मुतकिफ हो गया हो। जी हाँ, बिन वहाब और बिन शुमैत एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे। यकीनन उसे ये सब पता होगा कि असल कहानी क्या थी। मुझे इतना याद है कि इसी खेमे के अंदर कियान के जनाजे पर उसके और बिन कामिल के माबैन कुछ गुफ्तगु हो रही थी। किस बात पर? किस बात पर? हाँ, मुतासिब मुनाफिकों से मशवरा करने के मौजू पर। मेरे ख्याल से बिन वहाब को कुछ ऐसी बातें पता होंगी जिससे हमें फितने की जड़ का पता लग सकता है। ऐसे हालात में गले मुर्दे उखाड़ना लश्कर के हक में ठीक नहीं होगा। फिलहाल क्या करें? मेरी राय तो यह है कि लश्कर की मरम्मत होनी चाहिए। इस काम के लिए कम से कम एक महीना चाहिए। साहिब, तुम्हारी क्या राय है? हो सकता है आपको मेरी राय अच्छी ना लगे अमीर। अभी तक मैंने तुम्हारी राय सुनी ही नहीं। हम इसलिए जमा हैं कि इन हालात से निकलने की कोई राह निकाल सकें। मेरी राय यह है कि हम पीछे हट जाएं। बेहतर यह होगा कि हम जंग को कूफे के अंदर ही जानिब ले जाएं। हमारे सफेद बाल और सफेद दिल वाले सरदार की क्या राय है? मैं आज भी उसी ऐदो बहमा पर कायम जो मैंने एक शबे जुम्मा को अपने मौला अली से किया था। खुदा की कसम, मैं बनी जुबैर के नाम और फरारे जंग दोनों से ही बेजार हूं। तदबीर साहेब मुमकिन है कि एक अच्छी तदबीर हो और यकीनन एक फायदा मंद तदबीर है, मगर मेरी राय खड़े होकर लड़ना है अमीर। तुम बहादुरों ने भरूरा में मुख्तार के दोनों बाजू कता कर दिए हैं। ये जो मुख्तार फौरन मजार की तरफ भाग निकला है, इसका मतलब यही है कि वो आप लोगों से पूरी तरह से डर गया है। तो फिर उसे मोहलत ना दीजिए कि खुदा ने चाहा तो उसकी मौत हतमी है। इब्ने हुर, तुम्हारी कल की खिदमात और आज के अज़्म के नजराने में आज से तुम कूफे के नाज़िम हो। ये रही हमारे अहद व पैमा की दलील। जनाब शबस, कल रात मक्के का कासिद आया है। मेरे ख्याल से वही हुक्म होगा जिसके आप मुंतजर थे। अलबत्ता मैं उसके मजमून से मुतला नहीं। खुदा करे कि वही शय हो जो आपकी तलवार की कीमत हो। क्या करने वाला है? अगर मसलियात होती तो अमीर मुख्तार नाहदी की मामूरियत के बारे में हमसे मशवरा जरूर करते। जंग के तदबीरों के बारे में अमीर की खसूसियात को अब तक मैं जरा भी समझ नहीं पाया।
निसार और तुम सईद मोहल्लब और उसके आदमियों को एक टेक देखते रहना। जब तक मोहल्लब कोई कदम नहीं उठाता तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे। और तुम मेहरान लश्करगाह में ही रहो और जख्मियों के इलाज पर नजारत करते रहो। जी अमीर। Thank you.
चप्पे चप्पे पर एक जाल है। हमारे सिपाहियों को गुरु दर गुरु मारा जा रहा है। तो तुम क्यों जिंदा रह गए अहमद? फौजों को पीछे बुलाओ, जाओ। जी अमीर। क्या हुआ नेहुर? मुख्तार ने फिर एक कामयाब चाल चली है। पूरी झाड़ियाँ जाल से भरी हुई हैं। मेरे आधे अफराद अभी तक फंसे हुए हैं। तुम्हें झाड़ियों का रुख नहीं करना चाहिए था नौजवान। हम आपकी तरह मैदान देखे हुए नहीं हैं शेख। क्या हुआ, आपने बसरा की अमीरी से निकाह कर लिया? बसरा की हुक्मरानी मेरे निकाह में आ गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि कूफे के सिपाहियों की सालार तुम्हारी बीवी हो गई। मुबारक हो आपको। तो फिर जल्दी करो इससे पहले कि तुम्हारी नामूस को लूट लिया जाए। मेरी नामूस ना तो जवान है और ना ही दिलचस्प। आखिर इस खूबसूरत सांप को मैदान में लड़ने के लिए भेजने पर मजबूर हो ही गए। बेतुके नहीं हो जिसे नहादी कहते हैं? क्यों नहीं, हाँ मैं ही हूँ। हैरत है कि तुम अपने बिल से बाहर कैसे आ गए। तुम अपनी जान से शेर हो गए हो गुड्डे। तुम जैसों के लिए तो मौत शादी की तरह है। इसे बुढ़ापे की अजियतों से आजाद कर दो। जादू करते हैं या दुआ और दवा से काम लेते हैं? इतनी लंबी उम्र और जवानों की सी ताकत रखते हैं। खबरी है अमीर, शबस वासी ने जहन्नुम हो गया। अरे